गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में फिर एक नए क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने मनाली और लद्दाख देखा, अब हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा करेंगे। जम्मू का घर किसी से बना होता है? तो सीमेंट, बालू, ईंट और स्टील से बना होता है। कश्मीर का घर किसी से बना होता है? तो कश्मीर का घर लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। यहाँ के दीवार पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रख के तैयार की जाती है और उस पर चूने और मिट्टी की पुताई की जाती है ताकि उसमें कीड़े ना लगें। और यहाँ का छत जो है वो ढलुआ होता है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है डब। डब क्या होता है? तो जालीदार बाहर निकला हुआ खिड़की होता है जिसपे की लोग बैठ के नजारा देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा चप्पू। चप्पू क्या होता है? चप्पू का इस्तेमाल नाव चलाने में किया जाता है जो कि लकड़ी का बना होता है। ठीक है, चप्पू का इस्तेमाल नाव चलाने के लिए किया जाता है जो कि लकड़ी का बना होता है। अब इसमें पढ़ना है हाउस बोट। हाउस बोट का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के डल झील और केलन में किया जाता है। इसको लकड़ी का घर भी कह सकते हैं जो कि 80 फुट लंबा हो सकता है और इस पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है जिसे खतमबंद कहते हैं अगला इसमें हमारा टॉपिक आता है सिकारे। सिकारे क्या होता है? लकड़ी की लंबी नाव होती है जिसके बीच में छत होती है। कश्मीर में श्रीनगर के डल झील और अन्य निकायों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा डोंगे। डोंगे जो है यह कश्मीर के झेलम नदी एवं डल झील में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं और इसमें वहां के स्थानीय लोग रहते हैं। तो अब हमने कश्मीर में क्या क्या देखा? तो जम्मू में पहले सीमेंट, बालू और ईंट, स्टील और ईंट से बना घर होता है। कश्मीर का घर कैसा होता है? तो कश्मीर का घर लकड़ी और पत्थर से बनाया गया होता है। ठीक है, और यहाँ का दीवार पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर तैयार की जाती है और जो कि काफी मोटी होती है और इस पे चूने पुताई की जाती है ताकि इसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, और इसमें छोटा छोटा टर्न पढ़ना था। डब। डब क्या है? तो डब जो है वो घर से बाहर जालीदार बाहर निकला हुआ खिड़की है जो कि जिसपे की लोग बैठकर बाहर का नजारा देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा चप्पू। तो चप्पू का इस्तेमाल नाव चलाने में किया जाता है जो कि लकड़ी का बना होता है। ठीक है, हाउस बोट जम्मू कश्मीर के डल झील एवं केरल में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि लकड़ी का घर भी कहा जाता है और 80 फुट तक लंबा हो सकता है और इस हाउस बोट में लकड़ी की नक्काशी की गई होती है जिसे खतमबंद कहते हैं। ठीक है, और अगला हमारा है शिकारे। तो शिकारे जो है वो लकड़ी की लंबी नाव होती है जिसपे छत होता है और यह श्रीनगर के डल झील और अन्य निकायों पर पाया जाता है। और उसके बाद है हमारा डोंगे। डोंगे जो है वो यह कश्मीर के झेलम नदी एवं डल झील में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसपे की कोई लकड़ी की निकासी नहीं की गई होती है और यहाँ अलग अलग कमरे होते हैं और इसपे स्थानीय लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अभी हम जम्मू और कश्मीर का घर देखे, अब हम देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के घर कहीं पहाड़ी इलाकों में तो कहीं पानी में होते हैं। श्रीनगर के पुराने घरों की खासियत, तो यहाँ के घर पत्थर, ईंट एवं लकड़ी से बनी होती है और यहाँ के घर के दरवाजे एवं खिड़कियों पर डिजाइनर नक्काशीदार मेहराब बने होते हैं। इग्लू क्या होता है? तो बर्फीला इलाकों में बनाया गया बर्फ का घर है। ठीक है, एस्किमो लोग यहाँ पे रहते हैं। इग्लू का घर के आकार जो होता है वो गुंबद जैसा होता है और उसमें छोटा प्रवेश द्वार होता है और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के रजौली जिले के थानामंडी गाँव की रहने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जो कि सेना की पूरी परेड की कमान संभाली थी और नौसेना में वो डॉक्टर भी थे। इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर का पद प्राप्त हुआ था और इनकी बहन जम्मू पुलिस में थी। परेड के पीछे 4 टुकड़ियां होती है और जिसमें 36 बार चिल्ला के आवाज़ लगाना होता है और इसमें एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो श्रीनगर में यही सब टॉपिक देखे आज हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था मनाली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब सी में श्रीनगर भी। अब हम आगे क्लास में देखेंगे असम, उसके बाद और भी बहुत सारा क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है अगले क्लास में। हम देखते हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।